हर्ष आपसे लास्ट सवाल रहेगा, क्या लगता है कंटेंट वाइज किस तरह से आप देख रहे हो आने वाले समय में, किस तरह कंटेंट आप क्रिएट करने वाले हो? कुछ वीडियोस नहीं है अगर आएंगे? बिल्कुल, देखो कंटेंट तो वो पहली प्रायोरिटी है कि कंटेंट खुद क्रिएट करें, बट अभी कुछ थोड़ा बहुत चेंज करेंगे। अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा OTT की तरफ बढ़ें, खुद का कंटेंट OTT की तरफ बनाएं। YouTube भी चलता रहेगा, ये ऐसा नहीं YouTube छोड़ देंगे कुछ, बट अभी आई गेस जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं सब मोस्टली फोकस हो चुके हैं OTT की तरफ। भुवन भाई ने भी जैसे अभी ताज़ा खबर बनाया, तो आई गेस सबका एक नेक्स्ट फोकस वही है, तो हम भी ट्राई कर रहे हैं उसी तरफ बढ़ें अभी। कैरी, आपके कुछ इस तरह के फोकस है? बिल्कुल, जिस तरह भुवन के अभी हाल ही में एक सीरीज आई थी और उसके पहले एक और सीरीज जो प्यार मिलता है, डू यू थिंक यू शुड ट्राई दिस काइंड ऑफ कंटेंट? नहीं बिल्कुल, आई थिंक OTT में बहुत स्कोप है और एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है तुम्हें और एक अलग नज़रिए से लोग तुम्हें देख पाते हैं, बिकॉज हम भी नहीं चाहते कि लोग हमें ऑब्वियसली एक ही चीज़ में देख रहे हैं बार बार, तो हम भी कुछ नया देना चाहते हैं। तो आई थिंक वो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम दोनों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम OTT पे जाके कोई सीरीज़ कर सकें या कुछ और कर सकें और अपने आप को एक खुद की बना सकें बेसिकली, क्योंकि हमारा हम क्रिएटर्स हैं तो हमें चाहिए कि हम खुद की कोई सीरीज़ बनाएं। मेन यही है कि खुद की बनाएं ताकि लोग भी हमें नए फॉर्मेट और काम ना दे तो हमें खुद को काम दे दें हम। एग्जैक्टली।